Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything you start. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my... So hello, welcome दोस्तों, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब अच्छे होंगे. मैं आदित्य आज आपके लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो. दोस्तों आपके सामने जो बाइक खड़ी हुई है ये है 350 सीसी सेगमेंट की, काफी ज्यादा कमाल की बाइक, जिसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं अदर 350 सीसी सेगमेंट की बाइक से काफी अच्छे मिल जाते हैं. यानी कि आपके सामने खड़ी हुई है ऑल न्यू होंडा सीवी 350, जो कि काफी अच्छे डिजाइन के साथ में, फीचर्स के साथ में और काफी अच्छी प्राइस पॉइंट के साथ में आने वाली है. तो आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं सर से कि क्यों ये बाकी जो 350 सीसी सेगमेंट की बाइक्स आती हैं उनसे क्यों अच्छी है, और हाईनेस और आरएस वगैरह का भी जो कंफ्यूजन है आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है. तो सब कुछ आज जानते हैं सर से. सबसे पहले सर का वेलकम करते हैं अपने चैनल पर. देखिए ऐसा है ना कि ये होंडा की 350 सेगमेंट की थर्ड ऑफरिंग है. पहले थी हाईनेस, सेकेंड है आरएस, और इसका नाम सिर्फ सीवी 350 है. स्पेशल फीचर्स इस बाइक में ये है, पहला तो इसका सबसे बड़ा फ्यूल टैंक है आउट ऑफ द थ्री 15.2 लीटर्स का, जिससे ज़्यादा गाड़ी चलेगी, ज़्यादा रेंज मिलेगी और ज़्यादा दूर तक आप ट्रैवल कर सकते हैं. दूसरी चीज़, इसका एकदम ब्रॉड फ्यूल टैंक है जो कि अच्छा स्टांस गाड़ी को देता है और एक बल्की और एक मस्कुलर लुक गाड़ी को रोड पे प्रोवाइड करता है. स्ट्रॉन्ग LED हेडलाइट है इसमें, जो कि लॉन्ग टूर्स पे, नाइट ड्राइव्स पे आपको हेल्प करेंगी. सिटी में भी, नाइट ड्राइव्स में बेसिकली बहुत अच्छा विजन आपको मिलेगा रोड का. मड गार्ड्स और जो फोक्स के इसके हैं वो भी इसके बहुत बोल्ड एंड बल्की है, ताकि इससे आपको एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंस मिले रोड का और जहाँ आप जाएँ आप शो स्टॉपर बन जाएँ. फिफ्थ चीज़ इसमें अच्छी है कि इसमें होंडा वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोल है, जिससे जो भी आपको नेविगेशन एंड बाकी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर प्रोवाइड करेगा. और 350 सीसी की ये मोटरसाइकिल है, होंडा की थर्ड ऑफरिंग है, और एग्जॉस्ट नोट भी इसका बहुत अच्छा है. अच्छा थंप है, लाउड है और एक अच्छा बेस देता है. प्राइस इसका 1,99,990 रुपीज़ है एक शोरूम. और जो भी 18 से 25 ईयर्स की एज के लोग हैं, जो यूथ है, उनके लिए स्पेशल 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. बाकी चीज़ें आपको शोरूम आने पर परचेजिंग के टाइम आपको समझाई जाएंगी. सो प्लीज़ आप शोरूम विजिट कीजिए और गाड़ी को आके देखिए और बाय कीजिए. सो दोस्तों सर ने आपको बताया इतना कुछ इसमें फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाता है, उसी के साथ में जो इसकी आपको शोरूम प्राइस वगैरह देखने को मिलेगी, ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलने वाली है. और जो इनका शोरूम है एक्सिस होंडा बिग विंग, ये अपना पड़ता है साकेत नगर अपोजिट पराग डेरी के अपोजिट में आपको देखने को मिल जाएगा. शोरूम एक्सपीरियंस पर्सनली बताऊँ तो काफ़ी कमाल का मिल जाता है. एक फुल आपको प्रीमियम सी फील देखने को मिलेगी और ये बाइक का जो डिज़ाइन है काफ़ी कमाल का आपको देखने को मिलेगा. तो इतना कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है. इसका जो थीम है वो है बोल्ड अलोन बोल्ड टुगेदर, यानी कि अगर ये गाड़ी अकेले भी आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बोल्ड लुक दे रही है, और अगर आप उस पर बैठेंगे राइड करेंगे तो बोल्ड टुगेदर, यानी कि दोनों लोग ही बहुत ही अच्छे उसमें आपको रोड प्रेजेंस और उसका अट्रैक्शन मिलेगा. थैंक यू. इसका एग्जॉस्ट का नोट सुनाते हैं, क्योंकि अब आपको इसमें काफ़ी शानदार सा एग्जॉस्ट जो है कंपनी ने इसमें दिया है, क्योंकि ये बाइक जो है 350 सी सेगमेंट की सबसे हटकर कैसे ही, आइए इसके एग्जॉस्ट नोट से चेक करते हैं. इंजन नॉइस के बारे में बात करिए तो दोस्तों जो आपने इसका एग्जॉस्ट का नोट सुना, ये आपको अदर बाइकों से ज़्यादा थम्पी और ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है. बाकी अगर आप इसकी वाइब्रेशंस के बारे में बात करिए तो बाइक में वाइब्रेशन ना के बराबर आपको देखने को मिलती हैं. एक ये इसका मुझे प्लस पॉइंट लगा, बाकी जो मीटर कंसोल है ऐसा किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलता 350 सीसी सेगमेंट में. इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और सबसे बड़ा चीज़ जो कि बाइक लेने के बाद जो एक सबसे बड़ा डर बना रहता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट, वो इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है होंडा की रिलायबिलिटी के साथ में. तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो ऑटोटेक इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. शोरूम एड्रेस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा. आप यहाँ से आके होंडा बिग विंग की लाइनअप में कोई भी बाइक को चेकआउट वगैरह कर सकते हैं.